नेपाल के हिमालय से कुछ प्राचीन सी बूंदे जो कि एक बाघ के मूर्ति के मुंह से गिरती हैं, जिसे बागमती नदी के रूप में जाना जाता है और इस नदी को लंबे समय से आत्मा की शुद्धि के लिए जाना जाता है। ये नदी जंगलों से होते हुए आती है और कई सारे जलमार्गों से मिलती है, जहाँ ये चावल सब्जी और फसलों की सिंचाई के लिए बहुत सारे नेपालियों की एक जीवन रेखा है। हाँ वाओ, है ना ये नदी सुंदर। लेकिन रुको, हम इंसान खुद को बहुत ज्यादा ग्रेट समझते हैं और हमने क्या ग्रेटनेस की है वो भी देखते हैं। इन तस्वीरों को देखिए, ये वही नदी की तस्वीर है जिसका मैंने जिक्र किया था। ये वही नदी है जो इंसानों के पापों को धोती है, लेकिन इंसान इतने पापी हो गए हैं कि इस नदी की हालत खुद ही देख सकते हो क्या कर दिया। ये तस्वीरें आप लोग देखिए, क्या ये सुंदर लग रहा है या फिर बहुत ज्यादा डरावना लग रहा है? और मैं चाहता हूं कि जो भी इस नदी से कनेक्टेड है या फिर नहीं कनेक्टेड है, वो भी इस सवाल का जवाब जरूर ढूंढे, क्योंकि सवाल अगर उठेगा ही नहीं तो ध्यान भी कभी जाएगा ही नहीं। और इस पर अभी शायद किसी का ध्यान भी नहीं है, सब बहुत ज्यादा बिजी हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि सबको अपने इंपॉर्टेंट काम करने हैं। लेकिन ये लाइफ जिससे है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस भी कुछ है? ये हवा, ये पानी, ये वातावरण, क्या इसकी भी कोई इंपॉर्टेंस है? क्योंकि अगर एक सेकंड के लिए भी खत्म हो जाए तो कोई भी नहीं बचेगा। और मैं आपको बता दूं कि इस नदी की हालत ऐसे कैसे हुई। दोस्तों, जैसे ही ये नदी काठमांडू में आती है, इसका रंग सफेद से धीरे धीरे काला होता जाता है और आप खुद ही देख सकते हैं ये कितना जहरीला हो चुका है। और ये तस्वीरें जाहिर करती हैं कि इसकी हालत कितनी ज्यादा खराब है। ये एक नदी नहीं, ये मलबे जैसी एक नाला लग रही है जो कि काठमांडू से बहके जाती है। जगह जगह नदी के किनारे कचरा कूड़ा, साथ ही साथ नदी के अंदर भी कूड़ा कचरा, सीवेज लाइन का पानी सीधे नदियों में, और जिसको बोलते हैं ये है पाप धोने वाली नदी। और आपको बता दूं कि यही नदी पशुपतिनाथ मंदिर के पास से भी बहती है। तो आप समझ सकते हैं कि जो हो रहा है उसमें कितनी ज्यादा गड़बड़ी है और इस नदी के साथ कुछ सही नहीं हो रहा है। आप पूरे एक इकोसिस्टम को खराब कर रहे होते हैं जिसमें बहुत सारी मछलियां हैं, बहुत सारे जीव जंतु हैं, उन सबकी लाइफ खत्म हो रही होती है सिर्फ आपके कचरा फेंकने से। और काठमांडू वही शहर है जहां से मुझे बहुत सारे लोग शायद अभी देख रहे होंगे। ये 30 लाख का शहर जो कि पढ़े लिखे लोगों का शहर है, उसी में इस नदी की हालत ऐसी की जाती है। लेकिन मैं सैल्यूट करूंगा जो ऊपर पहाड़ियों पर रह रहे और गांव में बसे हुए नेपाली हैं, वो लोग इसका महत्व समझते हैं, वो फिर भी इस नदी को बहुत साफ रखते हैं। काठमांडू शहर बहुत सारी दैनिक क्रियाएं करता है, साथ ही साथ बहुत सारे कल्चरल चीजें भी करता है जिसमें आप लोग ही शामिल हो जो कि काठमांडू से हो। और इन 30 लाख में से भी अगर आधे लोग एक पॉलिथीन या फिर एक कचरा डालते हैं तो आप समझ सकते हैं इस नदी पर कितना ज्यादा कचरा और कितना ज्यादा लोड आएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नेपाल की इस बागमती रिवर के साथ कुछ ज्यादा ही पोल्यूशन हो गया जिसके लिए इंटरनेशनल मीडिया तक इसकी खबरें जा रही हैं, और ये आज नेपाल की सबसे पोल्यूटेड रिवर में से एक है। तो ये सोचने की बात है और कुछ करने की बात है, और इसको सॉल्व भी वैसे ही किया जा सकता है जैसे इसको गंदा किया गया, क्योंकि जो 30 लाख लोग हैं ये अगर इसको गंदा कर सकते हैं तो यही लोग इसको बहुत ज्यादा साफ भी कर सकते हैं। कोशिश करिए कि अगर वहां पर कूड़ा पड़ा है तो उसको सही जगह पर फेंका जाए। गवर्नमेंट और मेयर अपनी जिम्मेदारी निभाकर जगह जगह पर डंपिंग जोन को साफ रखें। और सबसे बड़ी बात, कल्चर और रिलीजन के नाम पे सबसे ज्यादा इस नदी को गंदा किया जाता है, जिसमें कई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गए, कई फेस्टिवल हो गए, जिसमें बहुत सारी चीजों को डाला जाता है। तो इग्नोर करिए कि वो बहुत सारी चीजों को नदियों के पानी में नहीं डाला जाए। और एज यूट्यूबर मेरी भी शायद ये जिम्मेदारी बनती है कि मुझे जो लोग फॉलो कर रहे हैं उन तक इस बात को अच्छी तरीके से पहुंचाया जाए। और जब तक इस प्रॉब्लम को हम सब देखेंगे नहीं, तब तक हम इसको कभी भी सुधार नहीं सकते। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा समझदार हो और हर बार कोई ऐसी चीज़ों पर आवाज़ ज़रूर उठाते रहे हो, तो प्लीज़ इस चीज़ को लेकर भी आवाज़ उठाओ। इस वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज तक, ताकि हर किसी को इस प्रॉब्लम के बारे में पता तो चल सके, क्योंकि वो एक बार कूड़ा फेंकने से पहले शायद कहीं ना कहीं सोचेंगे, और उनको अगर याद आएगा तो वो शायद कूड़ा नहीं फेंकेंगे। क्योंकि इन तस्वीरों को देखो, इस सच को देखो, तो लगता है कितनी ज्यादा गंभीर हालत है, और शायद सबको देखकर ये लगेगा। और इसीलिए मैंने ये वीडियो आज बनाया है, क्योंकि सरकारें और पुलिस एक निर्धारित चीजों तक ही अपना काम कर सकते हैं, और अगर आप सब जागरूक होंगे तो इस नदी को साफ रखने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। ये आपके अंदर से आना चाहिए कि ये आपकी नदी है, ये आपका जीवन है जिसको आप खराब कर रहे हैं कूड़ा फेंक कर। आप मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं इन कैंपेनिंग्स को और ज़्यादा बड़ा करने के लिए, क्योंकि ये नदी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेपाल के लिए, क्योंकि ये पशुपतिनाथ मंदिर से होकर जाती है और पशुपतिनाथ मंदिर को 1979 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया हुआ है, क्योंकि उसके पास से अगर बदबूदार पानी जाएगा तो ये इंटरनेशनल मीडिया में
जाएगा ही, और इसे नेपाल के टूरिस्ट पर भी असर पड़ सकता है। तो इसलिए इस चीज का ध्यान जरूर रखें, आपका एक फेंका हुआ कचरा नेपाल के लिए बहुत बड़ी समस्या बन सकता है। और उनको जगाने के लिए मैंने शायद ये वीडियो बनाया है, और आप में से बहुत सारे लोग शायद कहेंगे कि यहाँ की प्रॉब्लम बताओ, वहाँ की प्रॉब्लम भी बताओ, लेकिन आज सच बताऊं तो ये प्रॉब्लम हर एशियन देश की है, हर जगह की है, कि जैसे ही वहां पे शहरों में नदी जाती है तो उनके साथ अत्याचार होता है और उनकी हालत बद से बदतर हो जाती है, क्योंकि इस नदी की कई जगहों पर हालत इतनी ज्यादा खराब है कि पानी से बहुत ज्यादा बदबू आती है और पानी पूरा ब्लैक हो चुका है। साथ ही साथ लोगों को अपने रिचुअल्स के लिए भी बॉटल का पानी खरीदना पड़ता है कि वो अपने रिचुअल्स और कल्चरल चीजें कर सके। वो नदी का पानी भी यूज नहीं करते हैं, वो इतना ज्यादा गंदा हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि समस्या कितनी ज्यादा बड़ी है। तो इस पर सोचिएगा जरूर, इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी और इन्फॉर्मेशन और ऐसे ही वीडियोस के लिए। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद NI News।